इतने ज्यादा मिनट रिलेटेड है कि 92% बच्चे, मतलब मैक्सिमम पेरेंट्स को क्या पता है, तीन स्ट्रीम्स हैं, इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करनी है, या फिर मतलब आर्ट्स कर लेके जो भर्ती भर्ती हो जाते हैं, बस इतना ही एड करियर के बारे में पता है। तो करियर काउंसलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कहाँ जाना है, सब लगे पड़े गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, सब लगे पड़े एक ही जगह, जैसे भेड़ चाल नहीं चल रही है, भेड़ चाल चल रही है, बस चली जा रही चले जा रही। कितने सारे काम हैं जो वो लोग कर रहे हैं, जो शायद बाद में सीखते हैं कि यार अब ये नहीं कर रहे तो ये कर लेते हैं, चलो ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, बाद में सीखते हैं जब पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है करियर गाइडेंस एक्चुअली में। तो एक सड़क हो गया भाई साहब, मैं अंगूर लेके आया हूँ, अंगूर खट्टे हैं, आज एक अद्दशी की मेरी भूख से जान निकल गई थी। कंटिन्यू सेशन चल रहा है अभी तक, मुझे ये समझ में आया कि हमारे लिए अच्छा होने वाला है, बिकॉज मैं करियर, मैं चाहता था कि कोई अच्छी सी, मतलब मैं बहुत टाइम से करियर कोच ढूंढ रहा था, मतलब कोई हमारे साथ जुड़े, किसी करियर कोच को अपने साथ जुड़े, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तो जिसके साथ मैं जुड़ सकता हूँ, कोलैबोरेट कर सकता हूँ। तो वही है, इनका दो दिन सेशन करना पड़ेगा, मैं सर्टिफिकेट मिलेगा और प्लस मैं इनके साथ कोलैबोरेट कर सकता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा सिस्टम बिल्ड किया हुआ है बच्चों को करियर में गाइडेंस करने के लिए, मतलब एक्चुअली में ये चीज़ होनी चाहिए थी और ये बहुत सिस्टमेटिकली कर रखा है इन लोगों ने, तो ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं इनसे कोलैबोरेट करूँगा, इसको पूरे इनको पूरे समझता हूँ। तो इसीलिए मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, सुबह 8:45 से शुरू हुआ था और अभी 12:05 पे ब्रेक दी है इन्होंने, 1:05 पे तक, उसके बाद बिल्कुल ब्रेक नहीं है, 5:30-6 बजे तक कंटिन्यूस क्लास चलेगी, और फिर कल फिर से दोबारा से कंटिन्यूस क्लास चलेगी, और फिर हो रहा होगा हमारा एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम में हमें आंसर देना है कुछ क्वेश्चंस का, और फिर हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब फर्स्ट लेवल ऑफ करियर कोच का सर्टिफिकेट मिलेगा हमें, और प्लस इसमें बताएंगे कैसे हम नेक्स्ट लेवल, मतलब सेकंड और थर्ड लेवल में भी जा सकते हैं और उनके साथ कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग अभी भी ऑनलाइन है 3 लोग, बाकी मतलब एंट्रेंस ब्रेक चल रही है, कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये लोग अभी भी आंसर दे रहे हैं वहाँ बैठ के। सो बहुत ही डेडिकेशन है यार, बैठना वो हो बहुत ही हर खराब हो गई है बस भैया। 5:30 बज गए हैं, मैं सुबह 8:40 बैठा हूँ, इतनी शिद्दत से तो मैंने कभी अपने कॉलेज की क्लास या स्कूल की क्लास नहीं करी थी। ओह गॉड, बहुत टाइम लग रहा है। अभी पैनल चल रहा है तो जिसमें उस लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वाई इस करियर काउंसलिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स और मतलब बहुत ही हाई लेवल के एकेडमिक पर्सन आए हुए हैं जो डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। यहाँ देखो सब बड़े बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, यहाँ पे अभी जो मैडम डिस्कस कर रही हैं वो ये बात है, मैडम बोल रही है कि भाई 6:30 हो गए वो अभी तक बंद नहीं हो रहे थे, मतलब अब मेरा मतलब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया, मैं बाहर घूमने आया और सुबह से बैठा हुआ था लैपटॉप के सामने, तो कल एक और दिन है। बट एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, मतलब उसकी जो करियर सर्टिफिकेट की 3 स्टेजेस हैं, तो पहली जो है मतलब पहली जो फाउंडेशन में सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद 2 स्टेजेस और क्रॉस करनी, तब हम एक सर्टिफाइड करके काउंसलर बनेंगे जो करियर गाइड कर सकते हैं हम लोगों को, और उसके लिए मेरे पास अब बहुत चार्जेस करेंगे, बट हाँ वर्थ इट है, देखते हैं आगे जाकर ट्राई करेंगे कुछ करियर अगर इसको लेना होगा तो, बट बहुत अच्छा है, कल सुनूंगा तो पता लगेगा। सो इस 10:30 मैंने एक वीडियो शूट करी है अपने लिए, मतलब मैं कल परसों शूट करना चाह रहा था, कर नहीं पाया, तो अभी मैं चैनल के लिए वीडियो शूट किया हूँ, सुबह अपलोड करूँगा इसको, और बाकी शूट किया था सर के साथ, वो रेंडरिंग में लगाया है, अभी भी इसकी एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, एडिटिंग बाकी है इसकी, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे एडिट करनी है, मतलब मुझे कुछ कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी इसके अंदर। भाई इस समय ना पूरे अंधेरे में खड़ा हूँ मैं, ये बात है, अब ये कैमरे में फ़ोन, मतलब फ़ोन में कैमरा बहुत अच्छा है वीवो का, रियली में वीवो के कैमरे बहुत अच्छे हैं यार। हो तो आज दिन भर तो बस क्लास में निकला है, और अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा काम कर लेता हूँ कि कल फिर से क्लास करनी है। तो 11:00 बज गए, मैंने व्लॉग एडिट कर लिया है, मैंने वीडियो एडिट कर ली, थोड़ा सा रह गया बाकी। तो आई नो मैं इस वीडियोज में अकेला आ रहा हूँ और व्लॉग इतने इंटरेस्टिंग नहीं हो पा रहा है, बट थोड़े दिन में हो जाएंगे। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।